दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को खुद डिजाइन करना जरूरी है। एक बार मैं मार्केट से 2 किलो एप्पल लेकर आया और मैंने सारे के सारे एप्पल फ्रिज के नीचे वाले बॉक्स में रख दिए। जब भी मैं फ्रिज खोलता तो एप्पल मुझे दिखाई नहीं देते। आप ये कह सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट भूल गया था। जब मुझे याद आया तो सारे के सारे एप्पल खराब हो चुके थे। मैंने देखे नहीं तो मैंने खाए भी नहीं। ये कंडीशन देखने के बाद मैंने खुद की एडवाइस ली और अपना एनवायरनमेंट दोबारा से डिजाइन किया। मैं मार्केट गया और एक बड़ा सा कांच का बॉल लेकर आया, उसे किचन के सेंटर में रख दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैंने एप्पल खरीदे तो मैंने उन एप्पल को उस कांच के बॉल में रख दिया। अब एप्पल ओपन में रखे हुए थे और मुझे हमेशा दिखते रहते थे, तो मैं रोज 2-3 एप्पल खा लेता था। दोस्तों, जब आपको कोई एक्टिविटी करनी है, अगर वो आपकी आंखों के सामने बार बार आती है, चाहे वो स्टिकी नोट के रूप में हो या कैलेंडर इनवाइट के रूप में हो, मोबाइल नोटिफिकेशन के रूप में हो, तो वो जरूर कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी रात की मेडिसिन याद रखनी है तो बाथरूम के नल के पास रखो। नाइट में सोने से पहले जब आप बाथरूम जाओगे तो आपको दिखेगी तो आप खा लोगे। अगर आपको गिटार की प्रैक्टिस करनी है तो उसे लिविंग रूम के सेंटर में रखो। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा थैंक यू नोट भेजने हैं लोगों को तो स्टेशनरी अपने डेस्क पर रखो। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हो तो कई सारी बॉटलें भरकर घर के कॉमन एरिया में रखो, जहां पर वो आपको हमेशा दिखती रहे। हैबिट तभी फॉर्म होती है जब वो आपकी नजर के सामने हमेशा रहे। हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें हमें वो एक्शन ट्रिगर ही नहीं होता जो हमें करना है। गिटार की प्रैक्टिस करना कभी भी इजी नहीं होगा अगर उसे आपने किसी ट्रंक में बंद करके रखा होगा। बुक रीड करना कभी भी इजी नहीं होगा अगर बुक सेल्फ गेस्ट रूम के एकदम कॉर्नर पर होगा। जिस चीज को देखकर आपको स्पार्क मिलता है हैबिट को करने का, अगर वो कहीं कोने में छुपा रहे तो वो आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। गोल सेट करने के बजाय आपको गोल अचीव करने का सिस्टम सेट करना चाहिए और गोल को ओकेशनली चेक करना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं। मान लो आप किसी तरह गोल को अचीव कर लेते हो तो आपकी लाइफ सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए चेंज होगी। एक्चुअली ये आपको लाइफ से नहीं चाहिए। आप सोचते तो हो आपको किसी तरह रिजल्ट मिल जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के पीछे प्रोसेस छुपा होता है। प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका बेडरूम हमेशा बिखरा रहता है, कपड़े बेड पर पड़े हुए हैं, टॉवल चेयर पे सूख रहा है, बेडशीट बिखरी हुई है, और आप गोल सेट करते हो रूम क्लीन करने का। 2-3 घंटे लगाकर आप रूम क्लीन कर देते हो। साफ सुथरा रूम देखकर आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेटेड फील होते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद आपका रूम वैसी ही हालत में दोबारा पहुंच जाता है। इसका मतलब आपको अपनी क्लीनिंग हैबिट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर आप सामान को यूज करके सही जगह पर रखोगे तो आपका रूम कभी मैसी नहीं होगा। जब आप छोटी छोटी हैबिट्स रोज परफॉर्म करते हो तो उस दिन आपको उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ मंथ के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गुड हैबिट की कॉस्ट प्रेजेंट में है और बैड हैबिट की कॉस्ट फ्यूचर में होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।